यही है वो देशद्रोही, वो आतंकवादी। कितना इंसाफी है माय लॉर्ड, ये पैसा गलत है। अपना एक मकसद पूरा करने के लिए आप लोगों को जेल से आजाद करके यहाँ लाए। 24 घंटे के अंदर अंदर गीता और उसके 5 साथी मेरे सामने होने चाहिए। पाखंडी भक्त, किसी भगवान की कृपा नहीं है तुझ पर, आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। इस महाभारत में अभिमन्यु नहीं मरेगा। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान और श्रीदेवी की अभिनय से सजी फिल्म आर्मी के बारे में, और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म आर्मी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 28 जून 1996 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता हैं मुकुल आनंद और नितिन मनमोहन, तथा फिल्म को निर्देशित किया है राम शेट्टी ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है श्रीदेवी, शाहरुख खान, डैनी डेंजोगपा, सुदेश बेरी, मोहनीश बहल, रोनित राय, रवि किशन, हरीश कुमार, आसिफ शेख, किरण कुमार, अशोक सराफ, कंचन, नीलम मेहरा, तीनू आनंद, दिनेश सिंगू, विकास आनंद और अरुण बख्शी ने। फिल्म के गीत लिखे हैं समीर ने, तथा संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं, जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है कुमार सानू, उदित नारायण, विनोद राठौर, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, ज्योली मुखर्जी, आदित्य नारायण और साधना सरगम ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 4.3 की रेटिंग मिली हुई है और 77% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 6,58,00,000 का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11,04,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, एक्शन डायरेक्टर राम शेट्टी की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है और इस फिल्म के बाद 2004 में रिलीज हुई फिल्म AK-47 का निर्देशन किया। फैक्ट नंबर 2, शाहरुख खान की भूमिका के लिए पहले गोविंदा से संपर्क किया गया था, लेकिन गोविंदा ने खुले तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि वह विशेष उपस्थिति की भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3, शाहरुख खान को इस फिल्म के पोस्टरों और ट्रेलर में मुख्य हीरो के रूप में दिखाया गया था, लेकिन फिल्म में शाहरुख खान की केवल विशेष उपस्थिति की भूमिका थी। फैक्ट नंबर 4, शाहरुख खान ने इस फिल्म को केवल श्रीदेवी के साथ अभिनय करने के लिए स्वीकार किया था। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान और श्रीदेवी की एक साथ यह एकमात्र फिल्म है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म देखने के बाद अधिकांश दर्शकों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि फिल्म में शाहरुख खान की केवल विशेष उपस्थिति की भूमिका थी। निर्माताओं ने पोस्टरों और ट्रेलर से जनता को गुमराह किया था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि फिल्म में शाहरुख खान की पूरी भूमिका है। फैक्ट नंबर 7, शाहरुख खान श्रीदेवी के सामने कुछ ज्यादा ही युवा लग रहे थे, इसलिए निर्देशक ने शाहरुख खान को नकली मूछें लगाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 8, यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले और 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा से प्रेरित है। फैक्ट नंबर 9, हरीश कुमार की भूमिका में पहले दीपक तिजोरी को साइन किया गया था, लेकिन तारीखों के कारण दीपक तिजोरी फिल्म से बाहर हो गए। फैक्ट नंबर 10, शाहरुख खान और डैनी डेंजोगपा की एक साथ यह पहली फिल्म है और इस फिल्म के बाद 2001 में रिलीज हुई फिल्म अशोका में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के साथ फराज खान अभिनीत फिल्म फरेब भी रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 12, साल 1996 की कमाई के मामले में यह फिल्म 18वें नंबर पर थी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।